तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चॉकलेट रोल केक का रेसिपी और बनाने डिजाइन सभी। अब मैं वीडियो को मैं आपको बताऊँगा, वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा और तरीका को मालूम कर सकते हो। आप लोग भी सेम टू सेम कर सकते हो और बना सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि ली, मतलब नॉर्मल जो चॉकलेट स्पॉन्ज है उसी को मैंने एक ट्रे में तीन लेयर कर लिया हूँ, तीन पीस कटिंग कर लिया हूँ और तीनों पीस को मैंने ऊपर में शुगर सिरप डाल के उसका ऊपर क्रीम डाला हूँ। और क्रीम डालने के बाद देख रहा है, मैं वीडियो में जैसे देखा कि मैं बटर शीट डाला टेबल का ऊपर, उसके बाद मैंने रोल को फोल्डिंग किया हूँ। और आप हमेशा याद रखिएगा, रोल को फोल करने का टाइम ग्रिप अच्छे से रखिएगा, दोनों हैंड का ग्रिप अच्छे से रखिएगा। और जो बटर शीट डालेगा वो टेबल का नीचे थोड़ा सा पानी या एक टॉवल, नहीं तो थोड़ा सा पानी रहना, तभी आपका जो बटर पेपर है वो अच्छे से उधर सेट होगा, तो आपका रोल टाइट बनेगा और टाइट से आप फोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखा, और जो फोल्डिंग करने का प्रोसेस आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आप रोल को मिनिमम आधा घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए आप फ्रीजिंग में रखिएगा ज़रूर। मैंने फ्रीजिंग में रखा हूँ, मैं वीडियो में नहीं दिखाया हूँ, आप भी वीडियो में देख के नहीं करो। आप जैसे कि मैं वीडियो में नहीं दिखाया वो पार्ट मैंने आपको बोल दिया हूँ, मैं जो फ्रिज में रखा था 30 मिनट, क्योंकि क्यों फ्रिज में रखना फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो भी रोल जो है आपका जो फ्रिज में रखने से कोल्ड होगा, तो कोल्ड जब होगा जो आइस जब भी होगा तो उसको काटने के लिए भी आपको ठीक रहेगा और फिनिशिंग करने के लिए भी आपको ठीक रहेगा, तब आप प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर सकते हो। और देख रहा है जैसे कि मैंने रोल को आधा घंटे के लिए रख के बाद में मैं निकल के एक के साथ एक जोड़ दिया। और मेरा ऑर्डर था फ्रेंड्स 60 पीसेस रोल, और 60 पीस को मेरे एक जो मैंने तीन लेयर किया था, एक स्पॉन को तीन पीस कट किया था, वो एक पीस में 10 पीस आ जाएगा। तो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो में 6 रोल का वीडियो। तो आपको एक चाहिए, एक 5 पीस चाहिए तो आधा बना लेना, एक चाहिए तो एक बना, 10 चाहिए तो एक बना लेना, आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हो, ठीक है। तो रोल फ्रिज से निकालने के बाद मैंने टेबल में डाला, वीडियो में देख ही लिया। तो उसका बाद क्रीम डाला मैंने, आप लोग, मैंने व्हाइट क्रीम डाला हूँ वीडियो में, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को व्हाइट क्रीम नहीं डालना है, क्योंकि मेरे को कस्टमर ने बोला कि व्हाइट क्रीम डालो, डाल के फिनिश करो, तब मैं व्हाइट क्रीम से फिनिशिंग किया हूँ। आप लोग प्योर जो चॉकलेट जो रोल होता है उसके लिए आप लोगों को तो चॉकलेट क्रीम से ही फिनिशिंग करना, जो अगर कस्टमर अदरवाइज आपको कस्टमर बोल दे कि मेरे को व्हाइट क्रीम नहीं चाहिए, चॉकलेट क्रीम नहीं चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गलती हो रहा है बोलने को, आप लोग एडजस्ट करके मैनेज कीजिएगा। तो जैसे कि मतलब कस्टमर बोले कि आपको मेरे को व्हाइट क्रीम में चाहिए भाई, चॉकलेट क्रीम में नहीं चाहिए, तो आप व्हाइट क्रीम में बना के दे सकते हो मेरा जैसा। और अगर कस्टमर आपको बोले कि चॉकलेट गनाश में ही फिनिशिंग करके देना, तो आपको फिनिशिंग चॉकलेट गनाश में ही करके देना है, यानी ट्रफल में करके देना है। और जैसे कि मेरा कस्टमर बोला कि मेरे को व्हाइट क्रीम चाहिए, तो मैं व्हाइट क्रीम से फिनिशिंग किया हूँ। और फिनिशिंग करने का टाइम मैंने देखा आप लोगों ने, मैं क्रीम ज़्यादा यूज़ किया हूँ, क्योंकि पहले जो है क्रीम थोड़ा ज़्यादा डाला हूँ, बाद में इसकी स्पीड कट से की मदद से मैंने सब क्रीम को हटा दिया हूँ, देख सकते हो आप लोग वीडियो में। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, सेम टू सेम फॉलो करना, थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा डालना पहले, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हो। अगर क्रीम कम डालेगा तो क्या होगा, फिनिशिंग करने का टाइम आप एक ही बार में, अगर कार्ड एक ही बार लगाओ तो पूरा क्रीम चला आएगा, तो आपका केक ही दिखेगा, तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा, और गनाश डालने के बाद भी वो अच्छे से नहीं दिखेगा। और फ्रेंड्स ये चॉकलेट केक है, चॉकलेट रोल है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिया हूँ, क्योंकि ऊपर गनाश चॉको ट्रफल जो है ट्रफल डालूंगा, जो दूसरा मैंगो रोल, स्ट्रॉबेरी रोल, ब्लूबेरी रोल जो होता है उसमें आपको पूरा फिनिशिंग अच्छे से करना, तभी आपका शाइनिंग आएगा और लुक अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स फ्रिज में रखने के लिए मैं क्यों बोला था, क्योंकि आपका अगर बेकरी है, बेकरी में सेल करेगा, तो आपको फ्रिज में ज़रूर रखना ही रखना है, क्योंकि बेकरी में रखने के लिए कस्टमर को पसंद आएगा, तभी तो आपको आपसे प्रोसेस करके खाएगा, तो आपको तभी शाइनिंग आएगा, तभी कस्टमर पसंद करेगा। अगर आपका रोल फ्रीजिंग में पूरा कूलिंग रहेगा, उसके बाद आप फिनिश करके फिर से कूल में रखेगा, तभी आपका जो रोल है वो पूरा
प्योर जो मस्त दिखेगा, एकदम से मस्त दिखेगा, तब आपका कस्टमर जो है अट्रैक्शन होगा, जो कस्टमर अट्रैक्शन होके ज़रूर खरीदेगा। अगर आप लोग फिनिशिंग अच्छे से नहीं करके ऐसे ही बना के काउंटर में रख देगा तो कोई भी नहीं खाएगा, वो आप याद रखना ज़रूर। और देख रहा है जैसे कि मैंने चॉकलेट ऊपर में फिनिशिंग करके चॉकलेट ट्रफल जो है उसको मैं गरम करके उसको मैं ऊपर में पूरा डाल दे रहा हूँ, बटर पेपर जो शीट है उसी का मदद से मैं उसको बटर, हम लोग बटर पेपर भी यूज़ करता है, और जो पाइपिंग बैग ख़रीदने को मिलता है, जो पाइपिंग बैग बोलता हूँ हम लोग उसको, आप लोग क्या बोलता है मालूम नहीं, तो उसको हम उसको भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ट्रफल के लिए हम बटर पेपर का ये लिया हूँ। बटर पेपर का सीट को कौन बना के उसमें मैंने ट्रफल को डाल के उसके बाद मैंने रोल का ऊपर डाला हूँ। अगर आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकता है, वो आपका मर्जी है, आप जैसे करो वैसे डाल सकता है, लेकिन ऐसे ही डालना है। और डालने के बाद जैसे देख रहा है साइड में मैंने जो वाइट जो दिख रहा था उसको मैंने जो साइड में जो एक्स्ट्रा गनाश गिरा था उसी को मैंने कार्ड का मदद से उधर में लगा दिया हूँ, जो साइड में नहीं था, तो मेरा पूरा रोल में लग चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा रोल पूरा फिनिशिंग हो गया। और फ्रेंड्स मेरा थोड़ा अर्जेंट था क्योंकि मेरा कस्टमर मेरे को आधा घंटा में देने के लिए बोला, तो मैं आज मतलब कल ही ऑर्डर दिया था, मैं आधा घंटा में कल नहीं तो सुबह मैं मॉर्निंग उसको मोड़ के उसको फोल्ड करके मैं रख के गया था, तो रख के मैं अभी नाइट में आके उसको बनाया, नाइट में आके मैं बना के मतलब बनाने का टाइम में फ्रिज बनाने का 5-10 मिनट पहले ही मैं फ्रिज से उसको निकाल दिया था, क्योंकि जब भी जब फ्रिज से अगर ज़्यादा मैंने ज़्यादा टाइम रख दिया था, क्योंकि मेरा पूरा तो जैसे हो गया 8-9 घंटा हो गया, डाल के मैं गया रूम गया, बाद में आके मैं फिर बनाया। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोगों को अगर ऐसे ही करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसको पहले से निकाल के उसके बाद बटर पेपर जो फोल्ड करने का टाइम यूज़ किया उसको निकालना। लेकिन अगर तुरंत फ्रिज से निकाल के आप बटर पेपर निकालोगे तो क्या होता, केक में जो चिपक आइस होके जो लगता है ना वो लग जाएगा, बाद में आपको केक जो रोल है वो डैमेज हो सकता है। उसका बाद फ्रेंड्स देख रहा है मैंने स्टार नोजल का मदद से जो ब्राउन क्रीम में चॉकलेट क्रीम जो है उसको मैं ऊपर में नोजल से मार दिया हूँ, डिजाइन करके उसको राउंड राउंड ड्रॉपिंग छोटा छोटा ड्रॉपिंग डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं ऊपर गार्निशिंग कर दिया हूँ, चॉको चिप्स और कलर्स बॉल स्प्रिंकल्स डाला हूँ। आप लोग चाहे तो उसको ऊपर चॉकलेट चिप्स या ये आप लोग जो बनाते हैं, हम लोग बनाते ना गाना ये चॉकलेट गार्निश, उसको भी डाल सकता है। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के लिए मेरा वीडियो, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़रूर करना, जो जो नया चैनल है उसको वो लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस देख रहा है आप लोग मैं अभी भी फिर लास्ट में बोल के दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा सेम करना नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे मन वैसे कर सकता है। आप उस ऊपर में आपका स्टाइल में डिज़ाइन डाल सकता है, ऊपर में चॉकलेट गार्निशिंग नहीं तो दूसरा एनी थिंग डाल सकता है, तब आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा डाल सकता है। मेरा ऐसा ही अच्छा लगा, मैंने डाला। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। और आप लोग कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और जो जो नया सब्सक्राइबर है प्लीज़ लाइक।